Thank you. Definitely, it's my first web that I'm doing, so I'm very excited. And I'm more excited because of the concept of the web, which is all about love and peace eventually. Obviously, Zindabaad ki jab se promos bahar aaye hai, there has been a lot of controversy where people have been giving a mixed response, at least to me, because I am playing an ISI agent from the other side of the border. So I have some people, when they see my last promo song, they have their own views about me supporting other countries' situation. But then overall, I'm very happy. People who have seen it as an individual, as an actor, as a character, as a web, they've all been loving it, and I think that's the best thing about it. Obviously, because जैसे मैंने पहले कहा था कि you know जब आप इंडिया पाकिस्तान ये दो वर्ड को यूज़ करते हो तो हर किसी का एक डिफरेंट इमोशन और परसेप्शन आता है. जनरली जब आप कोई भी चीज़ों की बात करते हो तो देर इज़ ऑलवेज यू नो समवे एक कॉमन विचार होता है उसको लेके या कॉमन परसेप्शन होता है. बट देन जब ये दो चीज़ की बात आती है चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. और फॉर ऑब्वियस रीजंस विच इज़ For personally for me, I don't find that a valid reason, because I think हम एक ही चीज़ अपने life में सीखते हैं, वो है चीज़ों को generalize नहीं करना और एक के साथ सबको नहीं count करना. So obviously जब मुझे ये web भी मिला था and they wanted me to play an ISI agent and play Benazir, I was very excited to be very honest, but at the same time I had that thing in my mind कि हो सकता है कि लोगों का जो perception होगा और जो reaction होगा वो mixed होगा and I should be ready for it. And I was very well prepared, और मैंने कहा भी था कि the day I'm going to post the promo, I am going to get a little cold vibes also from people. But then I'm sure कि यही लोग जब web देखेंगे they will understand that what this web is promoting. This web is promoting peace and only peace. It is not a Hindu Muslim web. It is not polarizing anything. It's not putting any country down or any country up. ना हम इंडिया को बहुत ऊपर कर रहे हैं ना हम पाकिस्तान को बहुत नीचा कर रहे हैं, बट हम दिखा रहे हैं कि जो एक सिचुएशन चल रही है दुनिया में वो इंडिया किस नज़रिए से देखती है, वो एक पाकिस्तानी किस नज़रिए से देखता है, और ऑफकोर्स जो इंडियन मुस्लिम कपल है वो उन्हें किस नज़र से देखते हैं, जो होता है बिकॉज जनरली पीपल फील कि अच्छा आप यहाँ से आप चले जाओ. यू नो बहुत स्टूपिड स्टूपिड चीज़ें आती हैं जो मुझे बोलना नहीं है अदर, बट देन आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ वियर्ड कॉमेंट्स, नॉट फ्रॉम नाउ बट फ्रॉम बिफोर, यू नो विच इज़ वेरी वियर्ड. एंड बट देन या इट्स देयर, इट्स सम पीपल आर लाइक दैट. जैसे ये लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वैसे ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट है जो दोनों कंट्रीज़ में दंगे फसाद क्रिएट करते हैं और हेटरेट दिखाते हैं. बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड द ओनली थिंग दैट दे हैव for all of us is love, and they have been very nice to us and they've always kept saying oh we love India, we want to come to India, but unfortunately situations ki wajah se hum India aa nahi sakte. So you know that makes you realize ki ye jo hum dekhte hain aur bina sar pair ke hum kisi se nafrat mod lete hain, that's so stupid. So I think there are a lot of things when you read, when you understand, aapka nazariya uske liye badalta hai. Jo mera any which ways tha, but Zindabaad ke through mujhe ek mauka mila ki main use ek on screen portray bhi kar paun. ऑब्वियसली स्क्रिप्ट ही है और जो मुझे लगा मुझे करना है, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स जिस तरीके से वेब्स बन रहे हैं, देर आर सो मेनी वेब्स दैट्स हैपनिंग एंड मुझे भी बहुत सारे वेब्स के ऑफर आए हैं और आते रहते हैं. आई थिंक हर एक्टर के लिए एक कॉल कुछ ना कुछ रहता है, ये वेद सी अ कैरेक्टर. बट देन व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर जिंदाबाद, आई थिंक दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू हैव अ डेब्यू एंड आई वांट टू मेक अ डेब्यू विद वेब, एंड इट दैट देर कुड बी नो बेटर यू नो सब्जेक्ट देन जिंदाबाद. बिकॉज मुझे डेफिनेटली इंटेंस कैरेक्टर करना पसंद है, मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करना पसंद है, जो मुझे वजह तो मूवी में मौका मिला था करने के लिए, वेर आई डिड सो मैनी थिंग्स इन द फिल्म यू नो टू. सो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर एंड योर इट इज़. जी ऑफकोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड यू नो मैंने इतना टीवी तो किया नहीं है एक्सेप्ट द रियलिटी शोज़ जो मैंने किए हैं, तो एक वेब का एक डिफरेंट सेटअप ही होता है और एक फिल्म का डिफरेंट सेटअप होता है, तो आपको ऐसा लगता है अच्छा थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी है. बट देन आई रियली इन्जॉयड डूइंग वेब बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर आई यूज टू बी वेरी चार्ज्ड अप टू गो ऑन सेट, बिकॉज
See, when you love the script, when you love what you're doing, I think that is what makes you, you know, more charged up, that you want to get up and go and do something different. And it has been a great experience, and I'm glad that Vikram sir chose me to play Benazir in Zindabaad.